हेलो, नमस्ते, जय श्री राम। सब लोग कैसे हैं? शाम के बज रहे हैं 5:30, लगभग 5 मिनट 5:30 बजने में। तो बच्चों ने कहा है, परी ने कहा कि चाय बना दो, ट्यूशन से भी अभी लौटे हैं बच्चे, तो मैं बच्चों के लिए चाय बनाऊंगी और एक और दूसरा व्लॉग बनाएंगे हम। वो बनाएंगे, ये रही हमारी चाय। ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है भाप की वजह से कैमरे में, जैसे धुआं धुआं सा लग गया है। चाय हमारी उबल चुकी है, तो चाय हमारी उबल रही है। दूसरे वाले पतीले में हमने चने भिगोए थे, जो कि हम व्लॉग सीमा से 10 पे डालेंगे। ये रहे, तो मैंने चने भिगोए थे। ये भी बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी छोले वाले चावल बना के खिलाओ हमको। तो चाय हमारी बन रही है, परी हमारी वो रही, बार बार आ जा रही कि मम्मी जल्दी चाय बना लो, लेकर आ गई बेटी अंदर, चलो अंदर चाय लेकर मेरा बच्चा। तो बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं चाय पीने के लिए, कि चाय पीनी है, चाय पीनी है, कैसी हो? तो भाई वो मेरी एक दोस्त मिलने आई है, जब मैं आ रही हूँ, जब मैं कमरे में नई नई अकेली रहती थी तब मेरी दोस्त बनी थी मुफीदा, तो वो मुझसे मिलने आई है। चाय हमारी सूख रही है, मैं मुफीदा के साथ खड़ी हो गई, परी इंतज़ार में है। तो मुफीदा मुस्लिम बहन है हमारी, और सबसे पहले मेरी इन्हीं से बातचीत हुई थी जब हम कमरा में रहते थे, जहाँ मैं किराएदार थी वहीं पे ये भी किराएदार थी। बहुत अच्छी थी, अच्छी है, भगवान को उम्र दे, बड़ी लंबी आयु दे। इसको लड़की हुई है तीसरी, बस 6वां बच्चा हुआ है, 6वीं लड़की हुई है। 3 लड़कियों की डेथ हो गई थी और तीसरी लड़की इसको अब हुई है। बहुत अच्छी हैं वैसे तो, मेरे साथ मुझसे मिलने आती रहती हैं। अभी भी कह रही, जब तुम चले गए तो हमें भी लोगों ने वीडियो बना ली, ये कर ली, वो कर ली, बहुत ही अच्छी हैं। तो अभी चाय निकालते हैं। तो अब मैं चाय निकाल रही हूँ, इसमें छान रही हूँ, फिर बच्चों को कप भी करके दूँगी। मुन्नी हट जा बेटी। तो हमने चाय निकाल ली है इसके अंदर, अब कमरा में जाकर पियेंगे हम लोग। चलो 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 चलो। और मेरे पति डियर डार्लिंग हस्बैंड सो रहे हैं और राज अपनी पढ़ाई कर रहा है। पति जी सो रहे हैं, राज साइड में। राज यहाँ आ जा, चाय पिएगा? हाँ बाबू, लो परी मुन्नी दोनों बांट लो, दोनों बांट लो, लड़ाई मत करना। प्रियंका को ले, चाय पिएगी। तो हम बच्चों के लिए चाय निकाल रहे हैं। परी कह रही है मम्मी मुझे कटोरी में चाय दो, कप में दे, ठंडी होती है। ओह माय गॉड, फैल गई थोड़ी सी चाय। पोछा मैं लेकर आती हूँ बेटा, तुम बैठ जा। परी मुझसे पहले भाग गई लेने के लिए। यही लिया, यही लिया, हाँ ये वाला कपड़ा। चाय साफ कर दे, वरना मक्खियाँ आ जाएंगी। अभी सफाई कर लिया। प्रियंका आ जा, चाय पी ले। अब ध्यान से निकालेंगे, दोबारा सा ना फैल जाए। ले मुन्नो, प्रियंका के लिए निकाले। गरम। अब मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय निकालूंगी। ये सो रहे हैं, कितने भोले और कितने मासूम लगते हैं ना सोते हुए। ड्रन ड्रन टिडी। सोने देते हैं इनको, आज चाय पिएगा? मत कर मुन्ना, मेरा बेटा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। तो 5:30 बजे, 5:30 क्यों, इनका दिखाती हूँ। देखिए मेरे पति की मॉर्निंग हो चुकी है, आप टाइम देख सकते हो, ये शाम के हैं, सुबह के नहीं। चाय पी ले, घुट पी ले, एक
प्लीज। तो ये चाय नहीं पी रहे, हम तो पियेंगे भाई, चाय के हम तो हैं दीवाने। अपनी तारीफ कैसे करूँ, तुम कर लो, थोड़ी पी के रख लो, तो ऐसे झूठी तारीफ कर लो। मैं चाय कैसी बनाती हूँ, पी ले तो। शुरू हो जाए तारीफ करने के लिए। थैंक यू। तो हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, हमें प्यार देते रहना। चल बाय बाय। हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री राम, सभी को राधे राधे। तो हम बना रहे हैं आज बिरयानी, छोले के चावल, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों की फरमाइश पे, बच्चों के कहने से आज हम बना रही हूँ छोले वाले चावल, और आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। वीडियो के साथ बने रहना। आज मीना जी, क्या खूब लगते हो। तो हम रख रहे हैं छोले उबालने को, जो कि मैंने धोकर लाई थी पहले। प्रभु भगवान हमारे श्री राम। तो हमारे छोले बॉयल हो रहे हैं, हम चावल धोएंगे, आलू काटेंगे, टमाटर प्याज काटेंगे, चावलों को साफ भी करना है। दिल तेरी दीवानगी में हो गया है इश्क हमको हो गया है। चावल के दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो अभी हम चावल साफ कर रहे हैं, जब तक चनों तो हमारे छोले उबल चुके हैं, चार पांच सीटी आ चुकी है। हमारे बहुत पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, निकल रहा है। मीना जी पानी थोड़ा डाल दिया। पानी निकल रहा है तो दादा। चना जोर गरम तो हम डाल रहे हैं रिफाइंड, कम डालूंगी अभी, पलटूंगी मम्मी। रुक जाओ, चावल खा लो मम्मी, भेज दूंगी। हाँ, तो जीरा हमने डाल दिया है, जीरा थोड़ा उबल ले, फिर टमाटर डालेंगे, हरे धनिया,
फिर आलू डालेंगे। थोड़े टमाटर गल जाए। चावल किस किस को पसंद? तो हम अभी आलू डाल रहे हैं। लगा लिया जब तक वो थोड़े गल जाए, जब तक मैं खीरा काट लेती हूँ। मैं चावलों का खीरा बहुत अच्छा लगता है। घर का काम करना, खाना बनाना किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब तबीयत ठीक होती है तो मैं खूब काम करती हूँ, जब तबीयत डाउन होती है तो फिर मन नहीं करता। बाकी अपने घर का काम हो, बच्चों का देखभाल, सब मैं खुद ही करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा चावल बना के, आलू वाले या चने वाले, सादा में नहीं। फिर खीरा काट के उसमें थोड़ा नमक लगा के धो के फिर नींबू डाल के। फिलहाल पानी वानी कुछ भी नहीं डालेंगे और खाली आलू थोड़ा गलने दूँ, कि चने तो हमारे गल चुके हैं कुकर में ही। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग भी नींबू डाल के खीरे में पतले से काट के हल्का नमक डाल के चावल के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे आप लोगों को भी। और एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब से नहीं, शुरू से लेकर। हमारी चाची थी फरजाना, तो वो बहुत अच्छी। खीरे ज़्यादा इसलिए काट रही हूँ कि बच्चे भी खाएंगे और हमारे घर वाले भी हैं, हमारी सास है, हमारी जिठानी, वो भी कहेंगी थोड़ा सा दे दो सीमा, तो इसलिए ज़्यादा काट रही हूँ। और हमारे जीजा जी भी आए हुए हैं। तो अब हम छोले डाल रहे हैं, छोले डालेंगे। अभी मसाला वसाला कुछ भी नहीं डाला अभी तक। अभी जो है नमक डालूंगी मैं, नमक कुछ ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा। तो मिर्ची डालेंगे, मिर्ची ज़्यादा नहीं डालूंगी, बच्चे भी खाएंगे इसलिए बस 2.5 चम्मच, क्योंकि चावल ज़्यादा हैं। और थोड़ी सी हेल्दी, नो लाइक हैवी मसाला, और थोड़ा सा धनिया। ये हैवी मसाला पसंद नहीं है फिलहाल, वरना चटपटा ही खाती हूँ। तो नमक डाल रहे हैं खीरा में, मिक्स करेंगे। फिर इनको 2-3 मिनट बाद धोऊंगी। ये मेरा सिस्टम है। फिर इनको धो के पानी निचोड़ के नींबू लगा के चावलों के साथ बैठ के खाएंगे। ना जा रहा विटामिन, यहीं पे रहेगा विटामिन। विटामिन जाएगा? नहीं जाएगा। तो अभी हम पानी डाल रहे हैं, फिर थोड़े से धनिया भी डालेंगे, थोड़े धनिया बाद में। तो पानी उबलने देते हैं, फिर डालेंगे हम राइस चावल। थोड़ा सा नींबू निचोड़ा है। अब ये जीजा जी के लिए निकाल रहे हैं, जीजा जी को खाना दे रहे हैं। जो चावल बाद में खाएंगे, फिलहाल रोटी सब्जी खा रहे हैं। उन्होंने उनके लिए अलग रोटी बनाई है। मम्मी, तो अभी हम चावल डाल रहे हैं, हमारे मोदी जी वाले चावल।
तो अब फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे कैसे बने हैं और खाते हुए दिखाएंगे। तो ये रहे हमारे चावल तैयार हो चुके हैं जो कि बहुत अच्छे बने हैं। खुद की तारीफ खुद आप भी बताइएगा ज़रूर कि छोले हैं बहुत बढ़िया बने हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये तैयार बने रखना। थैंक यू। बाय बाय। हाँ जी यार, घर ही साफ कर लेते हैं क्योंकि घर में सीमा घर पूरा साफ हो गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से, और अपना कुछ खा लेना, भूखे पेट मत रहना, और नारियल 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 भी धरा है और नारियल भी पी लेना। ठीक है, ठीक है, ध्यान से रख दो, पी लूंगी, ध्यान से पीना, बता रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, हाँ पी लूंगी। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? कुछ काम था तो वो काम करके आ रहा हूँ अभी, बस 10 मिनट। ठीक है। खुद तो चले जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने, और मुझे घर में छोड़ के चले जाते हैं बोर होने के लिए। मैं भी जा रही हूँ छत पे, मज़ा नहीं आ रहा वैसे भी। सुनो जरा सुनो, गर्मी कितनी हो रही है। हम भी चले छत पे घूमने, खुद जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते कहीं पे के। बाबा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बाबा? लौट रहे हो? नहीं बैठो बाबा। बाबा और क्या कर रहे हो तुम? देखो आज बाहर नहीं गए? गर्मी कितनी पड़ रही है बाबा आज, बहुत गर्मी है ना? सीमा, सीमा रे, अरे कहाँ बोल क्यों ना रही? सीमा कहाँ चली गई? सीमा घर में नहीं आ? सीमा छत पे चली गई वो साथ। पता नहीं कहाँ चली गई जन। और हिला हिला कर के कर गया था कि नारियल पानी पी लेना, नारियल पानी पी लेना, कुछ खा पी लेना, अपने आप का ख्याल ही नहीं रखती पता नहीं क्यों। आज उसे सीधा कर ही देता हूँ, एक बार की सुनाई तो आती ही नहीं है उसे। और हिला 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 करके कर गया हूँ कि नारियल पानी और कुछ खा पी लेना, और भाग गई पता नहीं छत पर बैठ गई जाकर। मैं भी देखूं अब कैसे नहीं पिएगी, बताऊंगा अब इसे, आज तो इसकी खैर नहीं है। गिलास में कर लेता हूँ इतने। एक बार की सुनाई नहीं आती, एक बार की सुनाई नहीं आती, इसको एक दो बार पहले ठीक कर दूं पहले। कहाँ पर है, दिख भी तो नहीं रही। एक सीमा कहाँ है? है भाई सीमा, मैं तोते एक बात बता है, तोते में क्या कह के गाओ? क्या कह के गाओ मैं तोते? क्या कह के गाओ मैं? क्या कह के गाओ मैं तोते? पानी पी लेना। फिर क्यों ना पियो? मैं भूल गई बाबा, देखो मार रहे हैं। अरे अब तुम्हारे हिसाब की मेरी समझ नहीं आ रही। देखो बाबा तुम्हारे पोता, एक बार की तो सुना ही ना अबे, या मुंह में यार डंडी ही कर दूंगा मैं। तू एक बात बता, तेरे मार्दन में है क्या होगा? बंद बंद
आती जब मैं नौके के कहो के नारियल पानी पी रही है और दो दिन आते पियो ना नारियल पानी ना पूछी तो हैं जा फिर पी लेगी क्यों ये लेकर आयो हम क्या पी ले जाते हैं आज अरे पी ले यार पी ले यो अब ठीक है एक बार की तेरी सुनाई ना आवे हैं बार 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 कहते कहते कि बात ही रहेगी है बाबा आते मैं नौके के कहो ऐसा कह के कहो कि तू नारियल पानी और कुछ खा पी लियो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से तो ऊपर भाग गया ये तुरंत देख लो बाबा कैसे डांट रहे हैं चल अब बाहर जा तू बाहर जा एक बार की सुने ही ना पता ना अरे तेरे जीने को धिक्कार रे जपे जा राधे हो वृंदावन धाम अपार जय जा राधे 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 जब सब चल रही सारी मेरी चाय मेरी सास और मेरी जिठानी पी गई सीमा अभी तो चाय बना के लाई सीमा ने अंजलि कितनी गोरी हो गई है अंजलि कितनी गोरी हो गई है बहुत ज्यादा क्रीम ना लाली कौन सा क्रीम लगाती हो बताओ बताओ लाली देसी क्रीम लगाती हो क्रीम तो देखिए गाय ये मोटी हो रही हैं आप समझ सकते हो वैसे ही हमारा नाम बदनाम है असल कारीगर तो ये हैं बाबा आए हैं ऊपर बाबा राम 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 हाय कर दो नमस्ते कर दो राधे राधे कर दो भजन सुनने आ रही हूँ भजन सुनने आ रही हूँ भजन सुनने आ रही हूँ तुमसे बढ़िया एकदम हीरो सलमान खान लग रहे हो एकदम मैं भजन सुनने आ रही हूँ तुमसे भजन सुनने आ रही हूँ भजन सुनना है भजन देख लो भजन सुनाएंगे हाँ देख लो ना यही देख लो यही छोड़ दे बढ़िया रे हो बाबा तुम तो हीरो हो चलो भजन सुना दो एक सुमत वहाँ सुख निधाना जहाँ कुमत वहाँ संकट नाना जहाँ सुमति है प्यार है मोहब्बत है बोलचाल है हंसना बोलना है वहाँ सुख ही सुख है अच्छा और जहाँ कुमत वहाँ दुख निधाना तू मोदे मत बोले मैं तो ना बोलू ना बोले हुआ ना बोले वहाँ देख के मैं भूल लू ये बिल्कुल कुमत है दुख की निशानी है कुमत का मतलब हानि इसको बोलते हानि हानि नुकसान हानि का मतलब ये गरीब आई अच्छा वहाँ जो है रोजी उड़ जाती है खुश रहो तू हमसे बाबा कहती है हाँ, बेटी कहती है हाँ, प्यार से बोलती है हाँ, नमस्कार करती है हाँ, पे हाथ फेरती है हाँ, तो यहाँ सुखी सुख है सुखी ये जन्नत है और जो अच्छा मैंने जो कर ली तेने जो को कर लिया तो यहाँ है दोजख अच्छा दुखी दुख है दुखी दुख मेरा मतलब ये है मैं तू खाएगी जो मेरे में खाएगी लेकिन सुमत से रहना चाहिए प्यार से रहना चाहिए प्यार से सही बात है लाए करूंगी निभा के लाए करूंगी मैंने की निभाई दूसरे मिला की लड़की और ऐसे कह रही है तो अपने वहां में सही है अच्छा तू भी आ जा मैं भी देख लूंगा सब देख लूंगा तो या तू नहीं पूरी आज तक नहीं आई आएगी ना खाने भी ना चाहिए सब मैंने अपने ऊपर उठो दे रही है 5 किलो क्या बने 3 महीने तो मैं सब काम कर लूंगा तुम्हारी कितनी भैंस है बाबा दो भैंस है गैया भी है गैया भूते पकड़वा दूंगा इस घर में नितिन वाले घर में ये तो वहाँ की मल्ला की इनकी कितनी भैंस है यहाँ पे ना भैंस ना गैया गैया है हमारे यहाँ दूध गैया का आता है ना भैंस को तो फिर वहाँ दो भैंस है दो भैंस है दो बच्चा उनके हाँ ले ले तू दोनों बच्चा ने ले ले बोल मतले बटाई पे खबा ले पुचकार कब पुचकार ये मेरा आगे पुचकार
बाबा, बाबा तो मेरी जान है, तुम्हें पता है जब बाबा बीमार हुए ना। अरे हाँ बाबा, अरे वृंदावन धाम अपार रे भजे, ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे 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 राधे। तू वृंदावन में आयो राधा को नाम नाई गायो, तू वृंदावन में आयो राधा को नाम नाई गायो, रे तेरे जीवन को धिक्कार नाम नाई गाय, अरे तेरे जीने को धिक्कार रे जपे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार जय जा राधे राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत जाने गुण को चीला, ये हाँ ये वृंदावन की लीला मत जाने गुण को चीला, अरे यम ऋषि मुनि यम ऋषि मुनि गए हार रे भजे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे भजे जा राधे। बोल बोल अब यू मेरे वो सब दिखाएंगे मोबाइल पे। हाँ सीमा के भजन गा रहे हो, भजन बहुत बढ़िया गाओ, भजन सही है, तुम भी सुनाओ भजन। बन गए कृष्ण चंदन लिहार के लीला गुदवालो बेटे हरी बोल किसी के बहकाए में मत आइयो, सुन तो समझा रहा हूँ, लुटेरे बहुत हैं। हाँ हाँ पता है, लुटेरे सब जगह बसे हुए हैं। एक मैं ऐसा आदमी हूँ, बेलोभी आदमी हूँ, मुझे कोई लोभ नहीं है, पता है बाबा। हेलो नमस्ते जय श्री राम सभी को राधे राधे। तो मीना जी लाए हैं मेरे लिए तरबूज की, मुझे रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था और मैंगो शेक लाए थे, अभी मैं तरबूज काट रही हूँ। मीना जी हाँ थैंक यू। अरे तुम बहुत ध्यान, मुझसे भी थैंक यू बोलेगी, तुम बहुत ध्यान रखते हो मेरा। भाई मुझसे थैंक यू क्यों बोल रही है, तुम बहुत ध्यान रखते हो मेरा। मेरा तो फर्ज है तेरा ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा फर्ज से भी ज़्यादा रखते हो, क्योंकि ऐसे ही तोड़ू ना कह देते हैं अपनी जान, जिगर का छल्ला जान का टुकड़ा मेरी जान दिल की धड़कन, रोमांटिक हो रहे हो। तेरा ख्याल नहीं रखूंगा, बच्चों का ख्याल नहीं रखूंगा, और किसका ख्याल रखूंगा, एक बात बता तू है? बहुत रखते हो सच में, सच्ची बता रही हूँ आप सबको भी। आई एम सो लकी कि मीना जी को मैंने पाया, ये भगवान थैंक यू वेरी मच, मैं तो धन्य हो गई मीना जी को पाके। तो मैं तरबूज काट रही हूँ,
महफूज अच्छा लग रहा है। धोकर भी आए थे मीना जी, मीना जी बहुत सपोर्ट, बहुत ध्यान, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है ना तो बहुत ध्यान रखते हैं मेरा मेरे पति देव। आई लव इट, अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा तरबूज वेस्ट भी करती हूँ क्योंकि मैं बीच बीच मेरे जिगर के छल्ला तू मेरी खा ले पहले फिर गा ले, पहले खा ले फिर गा ले। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान में, तेरे ऊपर कर दू मैं कितने तरबूज कुर्बान रे। बहुत मीठा है। और मिठास बन जाएगी अभी खा के देख। और बहुत मीठा है। एक बात बता, तू कह रही थी थैंक यू। पहली बात तो मुझको थैंक यू बोलना तेरा फर्जी नहीं बनता क्योंकि मैं तेरा पति हूँ और मैं तेरी सेवा नहीं करूँगा, तेरा ख्याल नहीं रखूँगा। कोई और का और किसका रखूँगा मैं ख्याल? बहुत रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू बोलने की इसमें क्या बात हुई? तने एक वीडियो देखी है? बार 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 ऐसा करे तो वहां पे थूक दे वे। पर मेरे हिसाब से तो खाने की चीज पे कभी थूकना नहीं चाहिए। तो बरसात पड़ रही थी बाहर, तो बरसात में थोड़ा सा भीज गया था मैं बाहर। नहीं, पसीना है इनको। आपके खिलाफ है ना तो बड़ा सा खिलाइए वरना हाथ को खा जाऊंगा। और डरा ले बड़ा। अब बड़ा पहले छोटा खिलाने हाथ खा रहा है। अब ना खा रहा मैं, जब हम तरबूजे बो गए ना मैं तब भी ना खा रहा हूँ तरबूजे इतना। तरबूजे खरबूजे कचरिया कांकड़ी और घिया खीरा तोरई लौकी सब चीज बोक रहे हम। और खेत तो हम पर थे ही नहीं, जो खेत वाला था उन पे बटाई पे लेते थे क्या तुम? खेतों में सुन जाते थे अकेला? अरे जैसे कि हमने पे अब बारी बोई थी खरबूजे, ठीक है, तो वहां जगह जैसे पेड़ बड़े बड़े होते हैं तो वहां पर रोज होते हैं, एक लील का है रोज, ऊंट की तरह थोड़ा घोड़े की तरह होते हैं एक, तो वो आ जाते थे तो सबरे पेड़ों को खा जाते थे तो उनकी रखवाली करते थे भाई। किसान थे, किसान ही हैं हम, तो इस चीज़ का वहाँ पर ही इस वजह से लौटते थे क्योंकि सबरे खेत को खा जाते थे फिर नुकसान बहुत होता था। अच्छा। जिस दिन तू आ रही थी वहाँ से लौटकर तो उस दिन मैं खेत में ही तो लौटा था खेत तो में। दोस्तों गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तरबूज हमने खा लिया, तरबूज हमने खा लिया और बस आज के लिए इतना ही वीडियो में क्योंकि गर्मी में होपलेस हो रहे हैं और पूरी तरह से देखिए पसीना। मुझे नहीं लग रही, इनको लग रही है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ बताऊंगी कौन कौन से नंबर है। एक तो मेरे ख्याल में इसमें होगा। तो हमारे आए हैं पार्सल बच्चों के लिए, मैंने ऑर्डर किया था। नमस्ते, जय श्री राम सभी को, राधे राधे। तो आज है हमारे पार्सल, ये मेरे बच्चों के लिए मैंने मंगवाए हैं और ये है कुछ घर का सामान है, वो भी दिखाती हूँ मैं आप सबको। स्टार्टिंग में तो ये जो छोटे से पार्सल हैं वो खोलते हैं, एहतियात से काट रहे हैं पार्सल ही ना कर गया। तो ये है क्या है बताते हैं, ये है हमारे सिलेंडर का कवर, जैसे सिलेंडर में दाग वग लगते हैं तो किचन में पड़ा बुरा लगता है, तो ये सिलेंडर का कवर है मैंने मंगवाया है सिलेंडर के लिए, क्योंकि ऐसे घर में मतलब निशान वगैरह लग जाते हैं बदलते रहते हैं तो कोई कोई सिलेंडर मतलब अच्छा नहीं लगता है। दूसरा है ये भी सिलेंडर का ही है, ये नीचे सिलेंडर नीचे कचरा वगैरह हो जाता है तो इसके लिए मंगवाया है ये।
करनी पड़ेगी। इन सिंगल में लगा के भी देखेंगे कि हमारे सिंगल के साइज का रिटर्न करना पड़ेगा। ये है नीचे टायर हैं, कभी मीना जी इनको लगाएंगे यहाँ पे। ये भी हमारे सिलेंडर का सामान हो गया घर का सामान। अब बारी है बच्चों के खिलौने, क्योंकि हमने बचपन में बहुत तरसे हैं इन चीज़ों के लिए, तो हम अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं। जो हमने नहीं देखा वो बच्चे ही इंजॉय करेंगे, देखेंगे। फिर बच्चों को किचन वाली चीज़ें पसंद है ज़्यादा, मुन्नी वालों को। अभी लगेगा कैसे, मीना जी लगाएंगे, मुझे लगाना तो आएगा नहीं। इसकी फिटिंग होगी तो मुझसे लगेगा नहीं। मीना जी आप लग... तो मेरे बस का तो था नहीं। मीना जी अब इसको बना रहे हैं, बच्चों का खिलौना जोड़ रहे हैं, इसको अलग अलग पार्ट आए हैं। तो ये बन रहा है, लगभग हमारा बन चुका है। ये हमारा फ्रिज है। अभी इसके स्टिकर लगने बाकी हैं, जो कभी लगाएंगे हम लोग। हाँ, ये पानी की वो टोटी, यहाँ से पानी चले से अभी गैस चलेगी, चूल्हा चलेगा, ये भरेंगे अभी इसमें हम। अभी हमारी मुन्नी इस पे खाना बनाएगी और फिर मुन्नी पापा को खिलाएगी खाना। खिलाएगी पापा को, मम्मी खिलाएगी, दोनों को खिलाओगे, दोनों को ना किसको खिलाएगी मम्मी? मैं खिलाऊंगा तुम्हें। मम्मी को क्यों? तुम्हें खिलाऊंगा। ठीक है। तो ये रहा हमारी मुन्नी का घर बन चुका है। चूल्हा चलाओ एक बार। तो ये खाना बनाएगी इसके। क्या कर रहे हो जानू मेरे? अरे वाह, आज तो ब्लैक साड़ी में कैसे लग रही हो? लग रही है, कहाँ से चांद लेकर आया? चांद नहीं, दिन है। कहाँ से सूरज निकल आया आज? आज मन ने किया साड़ी बांध ली। तो बड़ी मस्त लग रही है साड़ी में। सच में? बाकी में आज लग रही हूँ, वैसे नहीं लगती। हम्म, आज लग रही हूँ वैसे नहीं लगती। वैसे फिर भी और दिन से ज्यादा ब्लैक में अच्छी लग रही है, जच रही है बिल्कुल ब्लैक साड़ी। ओह सच में, तो मुझे यहाँ बैठना चाहिए वहाँ की जगह। देखिए चेहरा दिखा दे एक बार। मैं ना दिखा रही, जाओ। मैं दिखा रहा हूँ, चल जा। प्लीज कम माइंड हो रहे हैं। प्लीज 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 क्या यार, हंसी दिला रहा है खामा खा। प्लीज कम माइंड हो रहा है, चली तुमसे दूर। यहाँ ठीक, इधर तो चांद लेकर रहा, देख भी ना, सूरज लेकर रहा, इधर तो देख भी ना पा रहा, पसीना देख, इधर से देख भी नहीं पा रहा मैं। अच्छा हाँ, कैप लगाना पड़ेगा, दूरबीन। ज्यादा नहीं बोल रहे ज्यादा, क्यूट पौधे हैं ना मेरे। सीमा, इनमें से बता कौन कौन सा पेड़ किसका है, जानती है तू? नहीं जानती, किसी एक को भी नहीं जान रही, एक को भी नहीं समझ पा रही। ये तो तुलसी माता, तुलसी जी है। हाँ ये तुलसी है, ठीक। हाँ और ये अपनी गुलाबरी है जिस पर फूल लगते हैं। हाँ, ना वैसी जो वैसे फूल लगते हैं। गुलाब का तो है, गुलाब को ना है, ये वैसे फूल लगे हैं यहाँ पे। और ये छुईमुई का पेड़ है या किसका है? सुंदर छुईमुई का पेड़ देखा था ना? छुईमुई? हाँ, मतलब छुईमुई का पेड़, मतलब छुई मुई का पेड़ होता है। छुई मुई क्या होता है? तो मैंने नौकर के लटका दे, नौकर का हाथ लगा दिया ना पेड़ से। हाँ। सब नौकर का मुरझा जाएगा। हाँ। हाथ लगाते खेन, उंगली टच करते खेन। छुई और मुई, छुई मतलब खत्म। जैसे पत्ता आप खड़े हैं बिल्कुल, वो ऐसे करके लौट जाएंगे बिल्कुल नौकर के, जैसे ये सुकड़ रहा है ना, ऐसे सुकड़ जाऊ मैं पत्ता छूते खेन, सबरी पत्ता के
अच्छा पता नहीं यहाँ के। सीमा तूने कौन कौन से खेल खेले? मैंने सब खेले हैं। मुझे चिद्दा होता है, गोल सा होता है, तुम क्या कहते हो उसको? कंचा। हम चिद्दा कहते हैं। बैठ के चार यूं चलाते थे, आगे छोटा सा खड्डा करते थे, उसमें खड़े होकर खेली है तुमने। हाँ, नौ करके डाले, फिर नौ करके पीते, टन पीते, टन। निशाना बड़ा पक्का था मेरा। और डीटी टक्कर का छोटी सी होती है, साइड भी कोना साफ करते हैं, कोना साफ करते हैं, बीच में रख के यूं करके जिसकी दूर जाए। हाँ, बहुत खेली मैं। और मेरे बागों में झूले बहुत बांधे हैं। झूला झूलना मुझे इतना सबसे ज्यादा मुझे झूला झूलना पसंद था। मैं भी लगवाऊंगा काय दिन छत पे बैसी झूला। कब लाके दोगे? किसी दिन लगवा। अब मेरी इच्छा पता क्या है? झूला झूला लकड़ी का झूला नहीं आता जो मुझे क्यों ना बताई थी फिर तूने? मुझे क्यों नहीं बताई थी? सिचुएशन के हिसाब से बताऊंगी ना। धमकी ना बंदर दिखा, देखो बंदर कैसे चढ़ रहा है गाइस। ऐसे एक बात बताओ, कितना टैलेंटेड है। ओह माय गॉड, जब हम बैट बॉल खेला करते थे ना, यहीं पर पीछे खेला करते थे बैट बॉल, तो यहाँ पूरा फील्ड था और यहाँ एक पापे की बेकरी थी, तो यहाँ जगह पीछे तो यहाँ पर घर बन गए। हाँ, तो यहाँ पर पूरे पूरे दिन हम बैट बॉल खेलते थे क्रिकेट। अच्छा। तो बेकरी थी, बेकरी के पीछे भी ऐसी ही खुदरी खुदरी, जैसे कि इस पर प्लास्टर नहीं हो रहा, खाली ऐसे ही दीवार थी। तो क्या कर रहा है, नीचे आ जा। ऐसे ही चढ़ा करते थे हम। आ जा। जैसे बैट बॉल छत पे चली जाती, बॉल छत पे चली जाती थी ना, तो मेरे साथ के जो क्रिकेट खेलते थे वहाँ पर लोग, तो फिर मुझे ही भेजते थे वहाँ जगह कि जा तू चढ़िया, चढ़ के ले आ। हाँ, एक दिन मैं चढ़ गया, चढ़ के ले आया। फिर उसके बाद पता पड़ी, थोड़ी समझ में आई मैंने कि यार किसी दिन चोरी का नाम लग गया तो और लेने के रहने पड़ जाएंगे। मैं तो चढ़ा ही नहीं फिर उसके बाद में। और जब हम वो भी खेलते थे, जैसे कि बाग में जाते थे तो वो खेलिए, टांग के नीचे है कैसे डंडी फेंका करते थे और जब जाके पेड़ों पर चढ़ जाते थे। सबसे मैं और मेरी दोस्त थी नादिया, बचपन की, तो हम लोग ये खेलते थे ऐसे करके और ऐसे मारते थे, इतना सा गोल सा पत्थर उठाते थे, इतना गोल सा। इसको हमारी लैंग्वेज में कहते थे ठिप्पी, ठिप्पी रान। 80-90-100 खाने बनाने पड़ते करते, फिर खाने ऐसे बन के। हाँ, फिर वो हमारा खाना हो जाता, उसको ऐसे काट के। हाँ, अगर हमारा खाना नहीं है तो वो ऐसे करके पार करना पड़ता था। हाँ, कूदना पड़ता, दो बना ले घर। हाँ, तो दो के ऊपर से कूदना पड़ता था। तू मत कूदियो अब छत पे, क्योंकि हमारी छत भी चटक रही है, कभी लेकर जाओ नीचे। देखिए छत चटका दी तेने। हाँ हाँ, हिसाब से तो ये तो यार टपकती भी होगी, बहुत टपकती। वैसे एक बात, ये जो है ना, ऐसे कर लेगा मीना जी, देखो मीना जी ऐसे कर लो, ऐसे रख के दिखा ना, ऐसे यहाँ पे, ये तो छोटी, चलो बड़ी से रख के यहाँ पे, तो यहाँ पे। ओह माय गॉड, मेरी गिर गई। एक बार फिर यहाँ बिठा के। ओह माय गॉड, फिर गिर गया। ऐसे रखनी है, खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। ऐसे। हाँ, और ना 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 छोटी है, चलो यहाँ यहाँ ये वाला यहाँ रख के, ठीक है। ओह माय गॉड, ये पटनी सही कह रहा है, मेरी गिर रही है ऐसे। हाँ, अब पलट के उठा के हाथ पे लानी है। ओह माय गॉड, ये मीना जी जीत गए। नहीं, फिर सीधे हाथ लानी है। अब देखो है? और ये यहाँ, ये कहते हैं मुट्ठी, तो यहाँ रख के ये करो, चल ब्लैक पे फिर वाइट पे, तो ऐसे देख। नो, क्या है? नो चीटिंग प्लीज। रुक जा देख, और ऐसे फिंगर यूं करी, यहाँ रखा, ऐसे कर दिया। और देख ऐसे करके ये फिर ऐसे करके फेंक दिया, गई हादिका पता नहीं कहाँ कर गई। और किसी सर में लग जाती तो, और कोई है छत पे? क्या है? किस किया बता, कैसे दोबारा करके दिखा। बता दीदी, चीटिंग कर रहा है चीटर।
चलिए चलते हैं। अयोध्या की बंदरों को चने भी खिलाने, आज मंगलवार है। चलो मेरे बंदर इंतजार कर रहे हैं, चलो आ जाओ। यहाँ पर खड़ा होकर देखू नी, ओ मेरा पति, मेरा हस्बैंड, गुलगुल मैं जब चुपके है। एक खाट ले लेके जाऊं, हट गया खाट।